अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो देखिए, मैंने कॉफ़ी को कर लिया है बीट, और ये मैंने बीट किया है चॉपर में, क्योंकि हाथ से तो बहुत टाइम लग जाता है हैंड से बीट करने में, और इस तरह से थोड़ा जल्दी भी हो जाता है काम, और थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मैंने ये चॉप मैंने नहीं मम्मी ने इसको चॉपर से बीट कर लिया, और कॉफ़ी का बड़ा मन कर रहा था मेरा, क्योंकि मुझसे कुछ वैसा लिक्विड ले रही हूँ अभी मैं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो ये देखिए, इस तरह से बन गई है कॉफ़ी। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम ये हॉट मिल्क, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कॉफ़ी बनकर हुई थी रेडी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चॉपर में जब बनाते हैं हम इसको बीट करते हैं तो वो हैंड से ज़्यादा इजी होती है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी कॉफ़ी बनकर हो गई है रेडी, और बस अब हम लोग इसको करेंगे इंजॉय। रात हो रही है, बिल्कुल रात में हम लोग ले, तो अब सब काम से फ्री हो गई हूँ मैं, और बस अभी अपनी कॉफ़ी को करती हूँ मैं इंजॉय। चलिए, और अब ये देखिए, देखिएगा मौसम का हाल। आज मौसम ऐसा हो रहा है धुंध वाला। देखो कैसा मौसम हो रहा है। सुबह का 7 बजे का टाइम है, मौसम का हाल ऐसा है। देखो कितना खूबसूरत पेड़ है ये। देखिए, हो गई है सुबह, और ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है। तो ब्रेकफास्ट में ये मैंने घी निकाला, तो बटर था, तो बटर का सैंडविच मायजा को भी बहुत पसंद है, तो इस तरह से ये मैंने बटर का सैंडविच जो है बना लिया है। बिस्किट हैं, थोड़ा सिंपल ही ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग, पराठे वगैरह नहीं खाते हैं। और ये देखिए, जो पनीर रखा हुआ था, थोड़ा सा पनीर बच्चों के लिए, पनीर के पराठे बना लेती हूँ मैं। हम चली गई थी मैं, थोड़ा सा मुझे डॉक्टर के यहाँ पर चली गई थी, तो दिन में तो कुछ शूट नहीं कर पाए, और ना ही इतना कुछ खास बनाया हमने, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आजकल। तो बस रात में भी मैं बच्चों के लिए सिर्फ सिंपल, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और रेड रेड चिली पाउडर डालकर थोड़ा सा बना रही हूँ ये स्टफिंग वाला पराठा बच्चों के लिए। पनीर का बच्चे खा भी लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है बच्चों के लिए। तो ये पनीर किसी भी फॉर्म में बच्चों के लिए, बच्चों को देना चाहिए ज़रूर। तो इस तरह से मैं ये पनीर का पराठा बना लेती हूँ, मेरे बच्चों को पसंद भी है, तो वो लोग ये खा लेंगे खुश होकर। ये देखिए, देखिए पनीर का पराठा बनकर हो गया है रेडी, और अभी एक और बना लेती हूँ मैं, दोनों बच्चों के लिए हो जाएंगे। पूरा तो नहीं खा पाएगी छोटी बेटी, लेकिन बस मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा मलाई के साथ। उसको खिला दी आ गया है, सब राशन का सामान बहुत फैल रहा है, सबको रखने लगी हूँ, फिल कर दिए हैं बॉक्सेस, कुछ होने रह गए हैं बस। अब ये मूँग दाल रह गई है, मूँग दाल भी कर देती हूँ जल्दी से। ये चने हैं, और ये हाथ पे तो मेरी पट्टी बंधी हुई है, चोट लगी हुई है, और ये उड़द दाल है, और ये बेसन है। ये देखिए, बनाई थी मैंने बीन्स, ये सेम के बीन्स जो है ना आती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए, और ये एग है, बस अब एग बॉईल कर लेती हूँ और बनाऊँगी चाय। और इसके साथ करते हैं वीडियो का एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।